नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मची हुई है। फिलहाल जिस नेता ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है वह है पशुपति कुमार पारस। दरअसल पारस रातों रात सुर्खियों में इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा से भतीजे चिराग पासवान का तख्ता पलट करते हुए खुद ही पार्टी के और संसदीय दल दोनों के नेता बन गए। LJP के कुल 6 सांसद हैं, जिनमें से 5 सांसदों ने चिराग पासवान से बगावत कर पशुपतिनाथ पारस को अपना नेता चुन लिया और चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष और संसदीय दल का नेता दोनों की कुर्सी से हटा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी में रातों रात हुए तख्ता पलट के बाद पशुपति कुमार पारस सबसे ज्यादा चर्चे में है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन है पशुपति कुमार पारस, जो अपने ही भतीजे चिराग पासवान को हटाकर पार्टी के सुप्रीमो बन गए। रामविलास के साथ साय की तरह रहते थे पारस। पशुपति कुमार पारस LJP के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई हैं। तीनों भाइयों में से 2 का निधन हो चुका है। ऐसे में पारस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष चिराग पासवान के इकलौते चाचा हैं। सांसद बनने से पहले वह बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वह अलौली से 5 बार विधायक रह चुके हैं। सन 1977 में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतने वाले पारस रामविलास पासवान के साथ साय की तरह रहते थे। वे 1977 से ही अलग अलग पार्टियों के बाद लोजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते रहे। दलित चेहरे के रूप में होती है गिनती। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की गिनती बिहार की राजनीति में दलित चेहरे के रूप में भी होती है। उन्होंने हाजीपुर से 2019 का संसदीय चुनाव जीता और लोकसभा पहुंचे। इससे पहले वह बिहार सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। रातों रात लोजपा का सत्ता पलटने के बाद यह भी कयास लगाया जा रहा है कि वह केंद्र की NDA सरकार में मंत्री बन सकते हैं। मनाने में नाकाम रहे चिराग। टूट की हलचल के बाद चाचा पशुपति पारस को मनाने के लिए चिराग पासवान उनके घर पर पहुंचे। चाचा इतने नाराज हैं कि चिराग को उनके घर के बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। फिर एंट्री मिली लेकिन पशुपति पारस उनसे नहीं मिले। 2 घंटे इंतजार के बाद चिराग मायूस होकर घर लौट गए। पशुपति पारस ने बीते दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख 5 सांसदों को अलग मान्यता देने की मांग की थी और खुद को पार्टी का लीडर बताया था। बहरहाल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA से खुद को अलग कर लिया था। जहां चिराग की पार्टी का हाल खराब था, सिर्फ 1 विधायक जीते थे। इसके बाद से ही चिराग से पार्टी के नेता नाराज थे और अब बगावत कर पशुपति पारस ने खुद को लोजपा सुप्रीमो घोषित कर दिया। अब देखने वाली बात है कि आगे पशुपति पारस क्या कदम उठाते हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।